क्या बोले, बड़ी मस्त ठंड है यार। बहुत ही अच्छा सफर रहा आज हमारा। और ट्रेन में ठंड लगी थी यानी? ठंड लगी थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन यार हमारे पास कुछ था, बेड शीट था हमारे पास, हमने रखा था उसको ऊपर में। क्या कहना चाहते हो भाई? भाई हम बहुत खुश हैं, हम घर जाना चाहते हैं। ये क्या बताएगा? लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, शेयर करो, सक्सेस कर मराए। हां सक्सेस कर। ये बच्चों की मेमोरीज रहेंगी यहां पे कॉलेज की। सो गाइस, फाइनली हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है कंप्लीट, तो अभी हम जा रहे हैं वापस। तो हमने सब के साथ मिला और फोटो शोटो उठा लिया टीचरों के साथ, उन्होंने भी हमें गुड विशेस दी और हमने भी उन्हें दी। तो अब हम जा रहे हैं बठिंडा के लिए, क्योंकि हमें जाना है घर और मुड़ के कभी यहाँ नहीं आना है। तो इसमें मेरे भाई सब क्या बोलते हैं, क्या कहते हो आप? सर और आ सकते हैं हम, क्या पता VFA करने। अभी तो ऐसे नहीं बोल सकते कुछ की नहीं आएंगे बिल्कुल ही डायरेक्टली। हाँ वो तो है, ये कोर्स तो कर लिया हमने। तो आज लास्ट बार हमने बठिंडा में शॉपिंग कर ली, तो अभी हम जा रहे हैं रेलवे की तरफ। तो मेरे साथ मेरा भाई है। कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार, ये कहाँ है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, तुमको चाह। सो गाइस, आधे घंटे से हम बठिंडा मार्केट में चल रहे हैं, बठिंडा रेलवे स्टेशन के पास। तो हमें यहाँ कहीं भी फ़ोन की शॉप नहीं मिल रही है, मोबाइल शॉप नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे एयरफोन ख़रीदना था। तो यहाँ पे खाली एनकू की दुकानें हैं और वॉचेस है जो आज पहनते हैं हाथ में, उसकी दुकानें हैं और उसके दुकानें हैं, और उसके अलावा है खाली साड़ियाँ बस, उसके अलावा कोई भी नहीं। हमें आधा घंटा हुआ चलते हुए, लेकिन हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। सो गाइस, फाइनली हमने टिकट काट लिया, तो अभी हम जा रहे हैं रेल की तरफ, ट्रेन की तरफ। तो चलते हैं, अभी धूप में कुछ नहीं दिख रहा है। सो गाइस, अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ी देर के बाद ट्रेन आ जाएगी, उसके बाद हम ट्रेन में बैठेंगे। और हमारे साथ बहुत सारे बंदे हैं, तो मैं आपको सारे बंदे दिखाता हूँ। तो बाकी इधर भी है, ये उस साइड तक हमारे बंदे सारे हैं हमारे कॉलेज के। तो ट्रेन आने वाली है। तो गाइस, पंजाब में आपको कहीं भी झरना देखने को नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा आपको झरना दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ रेलवे स्टेशन पे छोटा सा। सो गाइस, फाइनली ट्रेन आ चुकी है, अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे इसका, थोड़ी देर के बाद हम घुस जाएंगे ट्रेन में। तो गाइस, अभी सुबह सुबह है और आप देख सकते हैं हमारे दावर भाई को बहुत ज्यादा ठंड लगी है। नहीं यार क्या बताऊँ, आप तो रात को सोए हो, हम तो रात को बस ऐसे ही बैठे हो ठंडी में, न कम्बल न कुछ, बहुत बुरी हालत हुई आज रात। इसका मतलब हमारे भाई की कुल्फी बन गई है आज। कुल्फी नहीं, कुल्फी से आइसक्रीम बनी हुई है यहाँ पर। तो भाई आपका कहना चाहता हूँ, आपकी भी कुल्फी बनी है यानी? मैंने बहुत अच्छी नींद की आपकी वजह से, थैंक यू राजे भाई। हाँ, क्योंकि मुझे कमल साथ था तो हम यहाँ पे सोए थे दो बंदे, हमने बड़े मस्त नींद की। सो गाइस, फाइनली हम बड़ी ब्रह्मना में पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमें लगेंगे जम्मू तक आधा घंटा। क्या बोल रहे थे? इसका क्या मतलब है? हम करके दिखाते हैं, कहते हैं ये वाले कहते हैं, और हम करके दिखाते हैं, सीना ठोक के दिखाते हैं। यहाँ पे एक सुपर कुत्ता भागते हुए, मैं इसके पीछे दौड़ते हुए जा रहा हूँ। कुछ नहीं, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। क्या बोले, बड़ी मस्त ठंड है यार। मस्त ठंड है, मुझे भी बड़ी ठंड लगी है। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे। सो गाइस, फाइनली हम जम्मू पहुंच चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट गई। तो भाई क्या हुआ था? जब हम लिफ्ट में आए थे, दो बंदे उधर गिर गए थे, एक औरत एक मर्द, और साथ में हम भी जाने वाले थे। उन्होंने मेरी टांग पकड़ ली, तो मैं भी गिरने वाला था। इस भाई ने मुझे जल्दी से पकड़ा, तो फिर मैं ठीक हो गया, नहीं तो मैं भी जाता, ये टांगे शांगे छिली जाती। जैसे वो नहीं होता है, क्या बोलते उसको यार, जिससे सब्जी साफ करते हैं, छिलका निकालने वाला, वैसे हमारी टांगों का छिलका हो जाता है।
चलो अल्लाह का शुक्र है बच गए और सही सलामत हम जम्मू पहुंच चुके हैं। तो हैं आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे रेलवे स्टेशन जम्मू का। सो गाइज अभी हम इंदिरा चौक जा रहे हैं क्योंकि हमें इंदिरा चौक में गाड़ी मिलेगी। तो 8 बज गया है, बहुत लेट हो चुका है। हमने अब कोई चाय शाय नहीं पिए तो हम आगे पियेंगे क्योंकि अगर हम अभी चाय पियेंगे तो फिर हमें लेट हो जाएगा आगे। जो मैं डोडा से जाता हूँ वहाँ से लेट निकलती है गाड़ी तो उसके बाद हमें दरबदरी हो जाएगी। तो क्या कहते हो निसार भाई, कैसा सफर रहा? बहुत ही अच्छा सफर रहा आज हमारा। और ट्रेन में ठंड लगी थी? यानी ठंड लगी थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन यार हमारे पास था बेडशीट था, हमारे पास हमने रखा था उसके ऊपर से। हमारे पास इंतजाम होता है हमेशा के लिए। और बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे, ये देख सकते हैं आप, ये तो जम्मू का बस स्टैंड है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। सो गाइस अभी हम बगर में पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं आप अभी हम कहां रुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम सही सलामत डोडा में एंटर हो चुके हैं। तो 2 मिनट में हम बस स्टैंड पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे बिरयानी। सो गाइस फाइनली हमने बिरयानी खा ली, तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, वहाँ पे गाड़ी मिलेगी तो उसके बाद हम चलेंगे सीधा घर। और करते हैं आज का वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो पसंद आता है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।